आर्यमहिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में श्रेष्ठता पुरस्कार सम्मान समारोह में मेधावियों को सम्मानित किया गया। आर्यमहिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल परिसर स्थित महर्षि ज्ञानानंद सभागार में आयोजित श्रेष्ठता पुरस्कार सम्मान समारोह का शुभारंभ आर्यमहिला हितकारिणी महापरिषद के सदस्य प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, डॉ अनुराग दीक्षित, शंभुनाथ चतुर्वेदी, पूजा दीक्षित आदि ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मानित होने हेतु चयनित कक्षा 11 की छात्रा अनन्या मिश्रा एवं कक्षा 9 की आयुषी यादव एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्यापक संदीप रंजन को स्मृति चिन्ह, मेडल, लैपटॉप एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नर्सरी कक्षा के आयजा साकित को प्रथम, अब्दुस सलीम को द्वितीय एवं शिवाय सेठ को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार समस्त कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं श्रद्धा सिंह को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड एवं अनन्या तिवारी को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन दीपा जोशी, निधि श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के साथ विद्यालय के सीनियर कोऑर्डिनेटर रुद्र प्रताप सिंह, चित्रा मिश्रा, सपना सिंह, भव्या शुक्ला आदि अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। इस मौके पर विद्यालय परिवार ने समस्त बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया और उनका उत्साह वर्धन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। आज मॉडल स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम देखा आपने, बहुत सारे बच्चे पुरस्कृत किए गए जो जिस विधा में एकेडमिक से लेकर के सारी विधाओं में अच्छा काम किया था उनको पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार क्यों दिया जाता है या दंड क्यों दिया जाता है? मनोविज्ञान कहता है कि पुरस्कार और दंड के नियम और उन नियमों के अनुसार उस समय के अनुसार, जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करता है, तो उसको उसी समय और उसी अनुपात में पुरस्कार दिया जाना चाहिए और गलत काम करता है तो उसी अनुसार उसको माने उसी अनुपात में दंड दिया जाना चाहिए। बाद में दंड दिए जाने का, बाद में पुरस्कार दिए जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब सीधे सीधे यह है कि इस कार्यक्रम का 1 लाख सबसे ज़्यादा गार्जियन का भी, बच्चों का भी, सारे लोगों का यह रहता है कि अगला बच्चा पुरस्कृत हुआ है तो क्यों हुआ है, तो दूसरे बच्चे उससे कहीं ना कहीं उसका अनुकरण करके उससे सीख करके आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी, आज जो हमारा कार्यक्रम था ये उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है जो इस साल अपने एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जाने गए हैं। हर कक्षा में बच्चे आगे बढ़ते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, उनको हम पुरस्कृत करते हैं। पुरस्कृत करने का मतलब ये नहीं होता कि जो बच्चों को इनको पुरस्कार नहीं मिला है उनमें प्रतिभा नहीं, ये उनको ये बताना है कि जैसे ये 3 बच्चे आगे बढ़े हैं, आपके अंदर भी वो प्रतिभा है, आप भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जब बच्चे दूसरों को स्टेज पर चढ़ा हुआ देखते हैं वो प्रोत्साहित होते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ, इससे उनमें आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ती है। साथ में जब ये एकेडमिक एक्सीलेंस का प्रोग्राम होता है जिसमें पुरस्कृत किया जाता है, इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाता है। जिन बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की क्षमता होती है वो